guys, this is Web Siddiqui and you are watching Now Freedom ZS. तारीखी मकामात मौजूद हैं, लेकिन पाकिस्तान के सूबे सिंध के शहर कराची के जिले मलीर में भी एक तारीखी मकाम अपनी हैसियत रखता है। कोई पुरअसरार है या खौफजदा है, मुझे भी नहीं मालूम, तो चल के देखते हैं। मालूम हुआ था कि वहाँ पर फिल्म आने की परमिशन नहीं है, लेकिन जब वहाँ जाएंगे तो फिर पता चलेगा। चलिए चल के देखते हैं। अभी हमारे ब्लॉग का सफर जारी था कि रास्ते में एक ऐसा मंदिर देखने को मिल गया जिसको फिल्माया बगैर मैं रह ना सका, और फिर उसे फिल्माना पड़ा। वहाँ पे जाने के बाद शुरू में लोगों से पूछा कि लोगों को शायद इसके बारे में कुछ मालूम होगा, लेकिन लोगों को इसके बारे में मालूम नहीं था। शायद उसकी वजह जो है वो ये थी कि वहाँ एक होटल बना हुआ था जहाँ पे मकामी लोग मौजूद ना थे, बल्कि करीब करीब कोई आबादी भी ना थी। तो भाई मैंने ये फैसला किया कि इस जगह के बारे में आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो बता दिया जाए, वो भी कम से कम वक्त के अंदर। तो फिर मैंने उठाया मोबाइल और फिर हम हो गए शुरू। इस वक्त मौजूद हम चौगंडी कब्रिस्तान में। ये मलीर के अंदर ही आता है ना, मलीर में ही आता है, मलीर के पीछे की साइड का एरिया है ये। और यहाँ पे देखें कब्रें बनी हुई, बताया ये जाता है कि ये 15वीं सदी ईस्वी के दरमियान ये जो है कब्रिस्तान तश्कील पाए, और ये सखर वगैरह से लेके कराची तक इस तरह के तकरीबन 100 के करीब ऐसे कब्रिस्तान बताए जाते हैं जिन्हें चौगंडी कब्रिस्तान कहते हैं। और यहाँ के कोई एक मोहतरम बड़े थे जिनका नाम था पीर मोहम्मद चौगंडी, तो ये उन्हीं के नाम के जो है ये सारे कब्रिस्तान हैं। और इसमें मुख्तलिफ आपको कब्रें नज़र आ रही होंगी, और जो ख़ास और आम है वो कुछ इस तरह से देखें, ये जैसे अभी ख़ास कब्र बनी हुई है, अब ये जो है वो किसी खास बंदे की थी, लेकिन ये भी एक कब्र है, ये आम सी कब्र बनी हुई है, तो ये आम से लोगों की कब्र थी, तो बस इसमें डिफरेंस रखने के लिए लोगों ने। लेकिन आप ये देखें कि नक्शो निगार और किस तरह ये काम किया करते थे, जो पत्थर के ऊपर बाकायदा काम किया हुआ, और पिछले कई सौ सालों से जो है ये अभी तक बाकी है और ऐसे सलामत है, यहाँ पर मौजूद है, और कई लोग आते हैं इसे देखते हैं। ये तारीखी मकामात में भी इस जगह को शुमार किया जाता है। चले अंदर की तरफ चलते हैं, देखते हैं अंदर भी क्या है। अंदर भी मस्जिद कब्रें वगैरह बनी होंगी, लेकिन ये थोड़ा सा स्पेशल चार बाउंड्री किया हुआ है उन्होंने इसको। और ये देखें ये भी एक कब्र बनी हुई है, ये थोड़ी सी ओपन है, लेकिन ये देखें पत्थर वगैरह रखे होते हैं, ये पत्थर से पत्थर रखे होते हैं। और ये लेकिन आप देखें ये तराशते किस तरीके से थे यार, इतने पुराने टाइम में भी हाथों की महारत, क्या कारीगरी दिखाई है, बेहतरीन किस्म की। और ये देखें ये भी कब्रें बनी है, इसमें मुख्तलिफ हैं जिनकी कब्रों के ऊपर जो है वो देखें, इस कब्र के ऊपर आपको कोई ऐसे मतलब मकबरा टाइप जो है वो नज़र नहीं आता, जबकि बाहर जो है उनके ऊपर देखें मकबरा टाइप नज़र आ रहा। तो ये मर्दों और औरतों की मुख्तलिफ निशानियाँ होती थी, और ये तमाम खास लोगों की कब्र होती थी। इन कब्रों पर दो तरह के नाम होते हैं, एक तो वो जिनकी जो कब्र के अंदर जो तदफीन होते हैं उनका नाम होता है, उनका नाम जो है वो उस तरह के ऊपर के पत्थर पे लिखा हुआ होता है यहाँ पर, और जिनने ये जो मतलब जिस इंसान ने जो इसकी कारीगरी की होती है तो उसका नाम जो है वो नीचे के साइड पर कहीं लिखा हुआ होता है। ये मज़ीद जो और कब्रिस्तान है चौखंडी के, उनमें भी बाकायदा नाम वगैरह लिखे हैं, बाहर भी नाम लिखा हुआ था। और ये देखें ये भी कुछ इस तरह से मेहराबनुमा टाइप बनाया हुआ उन्होंने, ये सारी ये
कब्रें, ये आम लोगों की कब्रें, ये कुछ खास लोगों की कब्रें। बाहर मैं आपको नाम दिखाता हूँ, ये देखें, ये बाहर जो है ये देखें नाम भी लिखे हुए हैं। ये पता नहीं क्या लिखा हुआ है, ये कुछ रिहान करके समझ आ रहा है, और ये मलिक बिन मलिक हलाल करके लिखा हुआ है कुछ नाम इस तरह से। ये देखें, ये मुख्तलिफ़ इस तरह से वो पूरे कब्रिस्तान के अंदर और आगे भी साइड पर भी काफ़ी कब्रें हैं। कुछ लोग यहाँ से जो है वो पत्थर वगैरह भी अपने यहाँ ले जाते हैं, जबकि यहाँ पे बाहर जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से परमिशन नहीं है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। जाते जाते हमें भी इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।